हेलो एवरीवन, वेलकम जय करियर इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने स्टार्ट किया था हेलो अरेंज किया यूपीएससी से, ठीक है। एक्चुअल में अपन लोग सब चीज़ें डिटेल से पढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना। हमने स्टार्ट किया कि हेलो एलकेंस, हेलो अरेंज क्या होते हैं, फिर हम बात किए थे उनके क्लासिफिकेशंस के बारे में, ठीक है। फिर अपन लोग एक एक करके हेलो एलकेंस की यूपीएससी देखी थी, है ना। उसके बेसिस पर अपन लोगों ने कई सारी चीज़ें और देखी, कुछ फंडामेंटल यूपीएससी के रूल्स देखे थे, ठीक। तो अब क्या है ना कि हमारे पास यूपीएससी वाला पार्ट ख़त्म हो चुका है, ठीक। अब हम लोग एक अलग दुनिया में जाने कूद रहे, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं रिएक्शन वाला पार्ट, ठीक। आज से हम लोग का रिएक्शन वाला पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक। अब देखिए, रिएक्शन को समझने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, ठीक है। एक्चुअल में मैकेनिज्म के थ्रू अपन लोग रिएक्शन समझते हैं कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ। देखिए, दो रास्ते हैं पढ़ने के, या तो अपन लोग ये समझें कि कुछ जुगाड़ समझ ले। देखिए, जुगाड़ तो चलेगा केमिस्ट्री में, ठीक है ना। अपन लोग शॉर्टकट देखेंगे, जुगाड़ देखेंगे, लेकिन जुगाड़ समझने के बाद देखेंगे, ठीक है ना। बेसिकली एक रिएक्शन हो गई, ठीक है, उसको समझने के लिए हो सकता है कि अपन लोग अपने कुछ जुगाड़ बनाए हो, कुछ कहानियाँ बनाई हो, जिससे कि हम उस रिएक्शन को याद कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें एक्चुअल में क्या हुआ, उस चीज़ के लिए हमारे पास मैकेनिज्म है प्रॉपर कि भाई साहब ये आया, इसने उसके ऊपर अटैक किया, फलाना ढिमका, ये सब चीज़ें हुई, फिर ये प्रोडक्ट मुझे बना, ठीक है ना। तो कायदे से ना हमारे सिलेबस में मैकेनिज्म वाला पार्ट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कुछ एनसीईआरटी में मैकेनिज्म दी हुई हैं, ठीक है, लेकिन बोर्ड का जो होता है ना, मतलब मकसद ऐसा नहीं कि वह मैकेनिज्म बेस क्वेश्चंस पूछेगा। एक आध क्वेश्चन हो भी सकते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस नॉर्मल होंगे, जैसे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सकता है, रिएक्शन इनकम्प्लीट होगी उसे कम्प्लीट करना होगा, कन्वर्जन करना होगा, ठीक है ना। जो मैकेनिज्म वाला एस्पेक्ट है ना, वो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन ही ऐसा आएगा, अगर आपको मैकेनिज्म आता होगा तभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, वरना सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं है, है ना, ज़्यादातर ऐसा नहीं है। कभी जब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो मैकेनिज्म बेस्ट क्वेश्चन देगा, है ना। जब मैकेनिज्म मुझे पता होगी तब प्रोडक्ट मैं कर पाऊंगा, नहीं तो नॉर्मल अपन लोग जुगाड़ से ना केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, जुगाड़ू केमिस्ट्री, तो है ना, आपको ही पता है। तो हम क्या करेंगे ना, हम अपन लोग मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे, ठीक है ना। जितना पॉसिबल मैकेनिज्म होगा अपने लेवल पे, है ना। अब देखिए, यहाँ पर क्या ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इसी क्लास में पीएचडी कर लें, ठीक है, बीएससी एमएससी भी कर डाले इसी में, ये तो है नहीं, ठीक है ना। मुझे पता है कि इंडिया में जो भी हम लोग पढ़ते हैं ना सिलेबस, उसका एक, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका एक प्रॉपर सिलेबस होता है कि हमारे अकॉर्डिंग इतना ही आता है, ठीक। तो अभी हम पढ़ने वाले बहुत ही एक्स्ट्रा हैं, लगभग कॉम्पिटिशन को टच करते हुए निकलेंगे, है ना। प्योरली कॉम्पिटिशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा होगा, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस रहे, क्लास में आप लोग का भौकाल रहे, ठीक है। इस वजह से अपन लोग कॉम्पिटिशन को हल्का फुल्का टच करते हुए निकलेंगे, लेकिन अपने बोर्ड पर ना ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक। तो जिस दिन ये चैप्टर ख़त्म होगा ना, उस दिन आपको एक अच्छा खासा फील होगा, अच्छा खासा कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि भाई साहब इस चैप्टर मुझे अच्छा खासा कुछ आता है, है ना। तो ये सारी बातें हैं, तो अपन लोग मैकेनिज्म बेस्ड बातें करेंगे, ठीक। अब देखिए, मैकेनिज्म के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट है जो कि हम लोग 11th क्लास में कायदे से पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मुझे पता है कि बॉन्ड फिजन किस टाइप से हो सकते हैं, ठीक है। मैं जानता हूँ कि होमोलिसिस बॉन्ड फिजन होता है, हेट्रोलिसिस बॉन्ड फिजन होता है। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अच्छा खासा डिफरेंस होता है तो हेट्रोलिसिस बॉन्ड फिजन होता है, ठीक है। उसके थ्रू हम लोग कार्बोकैटायन बनता है, कार्बन आयन बनता है, ठीक। ये बात हमें पता है जो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं 11th क्लास से, ठीक। हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस लगभग सेम हो तो मेरे पास होमोलिसिस बॉन्ड फिजन होता है, या फिर हम लोग का हाई टेम्परेचर यूज़ हुआ हो, ठीक है, या फिर अपन लोग कोई परोक्साइड यूज़ किए हो, तो वहाँ पर क्या होता है, होमोलिसिस बॉन्ड फिजन, मतलब कि बॉन्ड की ब्रेकिंग फ्री रेडिकल के फॉर्म में होती है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि पूरे केमिस्ट्री में भाई साहब बॉन्ड की ब्रेक होने वाला है एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, ठीक है। तो बॉन्ड की ब्रेकिंग का क्या चक्कर है भाई, कैसे कैसे ब्रेक हो, तो ब्रेक होने के दो टाइप, है ना। अब दो बंदे लगे एक दूसरे से, थोड़ा सा जनरल बातें कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ना कि आप लोग वीडियो के लेंथ पे मत जाया करिए। अरे, एक घंटे की वीडियो कौन देखेगा, ठीक है, या फिर 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो, है ना, ऐसा नहीं है। 1 घंटे तक रखेंगे हम लोग प्रॉपर, क्या है ना कि जितना ज़्यादा आप हमारे साथ बिताओगे ना, उतना ज़्यादा आपको फील आएगी, उतना ज़्यादा आप हमें समझ पाओगे, ठीक है ना। तो आप लोग चैप्टर को लिंक कर पाओगे, है ना। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं तो मैं कुछ आपसे बातें भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। बीच में मैं पानी वानी भी पीता हूँ, ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी रिकॉर्ड हो रही है, तो उसके थ्रू वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है ना। देखिए, बहुत सारी बातें करनी पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद ना उसमें से थोड़ा सा निकलता है जो हमारे काम का होता है, जो अपन लोग बोर्ड में यूज़ करेंगे, ठीक। तो वही कहानी यहाँ पर है। और ऑर्गेनिक के मामले में तो भाई एकदम अत्याचार है ना, अत्याचार, मतलब कि आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली रिएक्शंस याद करनी पड़ती है क्या, रिएक्शन, हाँ बिल्कुल याद करनी पड़ेगी। अपन लोग समझ तो लेंगे कि ऐसे कहानी हुई है,
है ना, ये मैगनीज़ियम फलाना निमका ये सब हो गया, समझ लेंगे ठीक। लेकिन एट द एंड अगर आपको याद रहते तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन समझते हुए हम लोग याद करेंगे, है ना, ये भी बात है, समझते हुए याद रखेंगे ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कई सारे बातों को इंक्लूड करते हैं, है ना, कई सारे अलग अलग टॉपिक्स की बात करने लगते हैं, है ना, इस वजह से आप लोग वीडियो की लेंथ में ना जाए, है ना, जिसको पढ़ने मज़ा आता है, जो थोड़ा सा अच्छा खासा कंटेंट चाहता है वो वीडियो की लेंथ में नहीं जाएगा, वो बाकायदा वीडियो इन्जॉय करेगा और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे ठीक है। सो 45 मिनट की वीडियो रखते हैं हम लोग इतना आसपास, अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया, जनरल बातें कर रहे हैं ठीक। तो हम क्या करने वाले हैं कि मुझे, हाँ, जनरल बातें मुझे पता होनी चाहिए, जैसे कि हम बात किए कि होमोलिसिस बॉन्ड फिजन, हेट्रोलिसिस बॉन्ड फिजन के बारे में, ये सब चीज़ें। अब मुझे पता है ना कि मेरे पास रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स भी होते हैं, है ना, जैसे कि मुझे, मैं जानता हूँ कि अगर मैं चीनी को गर्म कर रहा हूँ, चीनी उबाल रहा हूँ ठीक, तो सीरा बनता है उसका, ये तो मुझे पता ही है। लेकिन आप गर्म करते जाओ, मिठाई का एग्जांपल लेते हैं, मिठाई के लूँ नहीं, दूध का एग्जांपल ठीक है, दूध को अपन लोग गर्म करके उसमें से खोआ निकाल रहे होते हैं ठीक है। तो जैसे जैसे दूध को अपन लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं, हीट करते हैं, करते जाते हैं, तो एक ऐसी स्टेज होती है ना जहाँ पर अब वो दूध ना दूध के फॉर्म में भी है और खोआ बनने ही वाला है हल्का फुल्का, है ना, मतलब ये वो स्टेज है जहाँ पर बिल्कुल अब आगे बढ़े तो खोआ बन जाएगा ठीक। तो जो ये वाली स्टेज है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेज, कि इसके बाद तुरंत प्रोडक्ट मिलने ही वाला है ठीक। तो हमारे लिए ना मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट्स इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक। अब देखिए, जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स अपन लोग पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, जहाँ पर अपन लोग ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशंस के बारे में बात करते हैं, तो वो केमिकल काइनेटिक्स वाला पोर्शन ना ऑर्गेनिक में अच्छा खासा यूज़ होता है, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मल्टीपल, अब अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया हो केमिकल काइनेटिक्स, तो वहाँ से अपन लोग को रेट लॉ लिखना होता है ठीक। और मैं जानता हूँ अगर मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन हुई है ना, तो मेरे पास जो स्लो स्टेप वाले रिएक्शन है उसको मैं देखकर ऑर्डर को लिखता हूँ, रिएक्शन की रेट को बताता हूँ ठीक है, वो इम्पोर्टेंट बात है। तो फिजिकल वाला ना जो पार्ट है भरपूर यूज़ होगा ठीक, कितना यूज़ होगा उसकी बात करेंगे हम लोग। रेट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग को नहीं मिलने वाला है ठीक है, पहली बात ठीक, हम लोग तो डायरेक्ट रिएक्शंस पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चन मैकेनिज्म बेस्ड भी मिलने वाले हैं ठीक है। तो ये सारी बातें रही। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स से, एल्केन्स नहीं, हेलो एल्केन्स ठीक है ना। अब हेलो एल्केन्स के लिए जनरल मेथड्स क्या क्या हैं, अब देखिए एनसीईआरटी में ना, एनसीईआरटी तो बस एक नाम के लिए है ना, उसमें तो लिखा होता है ये आपने 11th में पढ़ा था, है ना, ऐसा थोड़ी होता है। एनसीईआरटी तो एक टेक्स्ट बुक है, उसमें तो बहुत कम चीज़ें दी होती हैं, एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत रिएक्शन हैं जो अपन लोगों ने 11th में पढ़ी थी, है ना। यहाँ पर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक बात को अच्छे से रौंदेंगे, बाल की खाल निकालेंगे, है ना, इतना बाल की खाल निकालने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना। जैसा कि मैंने बोला कि अभी हम पीएचडी नहीं करने वाले हैं, अभी मुझे अपने सिलेबस का पढ़ना है ठीक है। सिलेबस से थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े हो तो मुझे कॉन्फिडेंस रहता है ठीक है, तो वाला पाठ हम करने वाले हैं, है ना। और मैंने ये भी बोला कि बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद इतना तो उसमें से निकलता है ठीक है ना, जैसे नारियल छीलते हैं ना तो इतना सा नारियल निकलता है अंदर से, है ना, तो वही वाली कहानी यहाँ पर है। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे हम लोग, तो बहुत इतना सा मतलब उसमें पाठ है ना, वो समझें आप। तो इसमें क्या कि आपको डेली पढ़ना है, डेली चीज़ें रिवाइज करनी, रिएक्शन समझना है ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, आप बहुत देर से बातें कर रहे हो, पढ़ाओ कब ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सर रंग बिरंगे चौक उठा लिए जाए, तो हेडिंग लिखो बबुआ लोग, हेडिंग लिखते हैं हम लोग जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसमें कुछ बच्चे बोल दूंगा अरे सर आपकी, आप स्पेलिंग गलत लिखते हो किसी किसी चीज़ की, है ना। तो देखिए यहाँ पर अपन लोग अभी ग्रामर की तो बात कर नहीं रहे हैं, है ना, कि स्पेलिंग गलत हो गई तो स्पेलिंग के चक्कर आप संभाल ले, है ना। यहाँ पर अपन लोग का मेन मकसद ये नहीं कि मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, सबसे ट्यूशन में पता नहीं टी आई की जगह मैंने टी ई लिख दिया, है ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। कई वीडियोज़ हैं पीछे वाले जहाँ पर आपको स्पेलिंग्स गलत दिख सकती है ना, लेकिन जो कंटेंट है ना वो गलत नहीं है, जो अपन लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो सही है। तो हम बात कर रहे हैं जनरल मेथड ऑफ ये थोड़ा सा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स ठीक है, या फिर इसी को मैं चीख चीख कर बोलता हूँ एल्किल हैलाइड चीख चीख करके बोलते हैं सर ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड। अब ये जो पहला चैप्टर है ना, ज़िंदगी में हर पहला काम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो अपन लोग के हिसाब से 12th क्लास का ये पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक वाला ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स है ना, जितने भी हम आने वाले चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं उन सभी का प्रिपरेशन अल्काइल हैलाइड से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। कोई भी मुझे कंपाउंड बनाना है तो मैं पहले ये सोचूंगा कि भाई साहब क्या अल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं क्या, पहले मैं उसी को लेकर सोचूंगा ठीक है। तो इस चैप्टर में लगभग हम
जो आने वाली चीज़ें हैं वो लगभग सब कुछ पढ़ने वाले हैं, है ना। हो सकता है किसी के लिए ये प्रिपरेशन हो, तो आने वाले चैप्टर्स के लिए वो केमिकल प्रॉपर्टी हो, है ना, सारी ये सारी बातें होती हैं। तो हम लोग अभी बात करें ना जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेलो एल्केन्स की, या फिर हम बात कर रहे हैं एल्किल हैलाइड की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कितने तरीके से पढ़ेंगे हम। ठीक, हमारी ज़िंदगी में पहला आदमी आता है बाई हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। सो हाइड्रोकार्बन्स के थ्रू जो अपन ने 11th क्लास में पढ़ रखा है उसके थ्रू कैसे अपन लोग प्रिपेयर करेंगे वो कहानी देखते हैं हम लोग। सेकेंड बाई एल्कोहल्स, थोड़ा बहुत जो पीने की चीज़ें हैं उसका यूज़ कर लेंगे हम लोग, ठीक है, सॉरी बाई एल्कोहल्स। अब बेसिकली ये हम लोग की एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी हो जाती है ना, बाई एल्कोहल। थर्ड हम लोग बात करेंगे, है ना, बाई हैलाइड एक्सचेंज मेथड, ठीक है। अब बेसिकली ये एक नेम्ड रिएक्शन है, तो उस पर आएंगे तो हम लोग बात करेंगे कि ये नेम्ड का क्या चक्कर होता है ना। एंड नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग फैटी एसिड, ठीक है ना। फैटी का मतलब ना कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मेन सोर्स है वो क्या है, फैट्स है, तो हम क्या बोलते हैं, फैटी एसिड। ठीक, तो ये चार बंदे हैं, इन चार बंदों के अकॉर्डिंग अपन लोग को पढ़ना है कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। हर एक बंदे के अंदर और बंदे हो सकते हैं, है ना, ये हम लोग का मेथड है। तो इसके अंदर भी कई सारे टाइप्स हैं, उसकी हम बात करेंगे अभी। ठीक, फिलहाल इतना आप लोग कॉपी करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करें, इतना कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं। यार आज पानी नहीं रखा है यहाँ पे, ठीक है, इतना आप कॉपी करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया ना भाई, चलो। तो जो पहला बंदा है ना हमारी ज़िंदगी का, जो कि आपको तकलीफ़ देने वाला है, पढ़ाई लिखाई देखो एक तकलीफ ही तो है, एक तकलीफ़ से आप गुजर रहे हो, पेपर पास करने के लिए पढ़ रहे हो, है ना। लेकिन पेपर पास करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, 11th 12th में जितना आप पढ़ सकते हो डीप उतना पढ़ लो, क्योंकि 11th 12th के बाद जो कहानी है ना वो ज़िंदगी में ऐसा मतलब मोड़ लाती है कि आप पास होने के लिए मरोगे, है ना भाई साहब। पास हो जाए बहुत बड़ी बात है ना, अभी तो आप अच्छा खासा स्कोर भी कर सकते हो, है ना, ये सारी चीज़ें। तो फर्स्ट बात करते हैं हम लोग बाई हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स में भी पहला जो बंदा आ रहा है, पहला बंदा है जिसे मैं बोल रहा हूँ बाई फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल ये क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब जैसा कि मैं ये मान के चलूँगा कि कुछ चीज़ें आपको पता है, है ना, कि फ्री रेडिकल क्या होता है, कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बन आयन क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग बात कर लें। जैसे कोई कि RX लगा हुआ है ना, मैं बोल दूँ कि X की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जाता है R से। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक बहुत ही अच्छा खासा आदमी है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग। अगर X की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मीन से क्या होता है कि जो बॉन्डर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश करने की टेंडेंसी, तो ये इलेक्ट्रॉन की तरफ पुश हो जाएंगे, है ना, इस तरीके से। एंड R पे क्या आ जाएगा, प्लस, X पे क्या आ जाएगा, माइनस। बेसिकली एल्काइल ग्रुप है ना, मतलब C इसके पास है, ये बन गए कार्बोकेटायन। क्या बन गए, कार्बोकेटायन, मतलब कि पूंछ पे प्लस आता है, हेड पे माइनस आता है। तो ये कब होगा, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अच्छा खासा डिफरेंस हो। हमने बोला कि X की ज़्यादा है तो क्या बन गया, कार्बोकेटायन। अगर R की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हो X से, तो हालांकि ऐसा नहीं हो सकता है, हम बात कर रहे हैं जनरल, तो क्या होगा तब, है ना। अगर मैं RX ना यूज़ करूँ, आप कहोगे ये क्या यूज़ कर रहा है, RX को लेकर अच्छे से कहानी नहीं कर सकते हम लोग, कि R का मतलब एल्किल होता है, इसका मतलब हैलोजन ग्रुप। मैं A भी बोल दूँ, मैं बोल दूँ कि B की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा A से, तो इस तरीके से खींच जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स इसके सिर के ऊपर, एंड A प्लस बन जाएगा एंड B माइनस। बेसिकली इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, केटायन, कार्बोकेटायन। अगर कार्बन हुआ उसमें तो कार्बोकेटायन। अगर हम बोल दें नहीं, A की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा B से, तब क्या काम होगा भाई साहब, तब A इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ शिफ्ट करवा लेगा इस तरीके से, और A पे आ जाएगा माइनस एंड B प्लस, मतलब ये क्या बन गया, कार्बन आयन, क्या बन गया, कार्बन आयन, ठीक है। तो अभी हमने बात की थी कि बॉन्ड फिजन की, जब भी इस तरीके से बॉन्ड फिजन होगा ना, बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो हम बोलते हैं भाई साहब ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन है, या फिर हेट्रोलिसिस बॉन्ड फिजन है, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस हो।
तब क्या बनते हैं, कार्बोकेटायन या फिर कार्बन आयन बनते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ना होना इस तरीके से, तब जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, दो इलेक्ट्रॉन्स, ये लोग फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूटते हैं। फ्री रेडिकल मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ये इस तरीके से ब्रेक होता है। हम लोग ऐसे हाफ हेडेड कर्व एरो यूज़ करते हैं, ऐसे हाफ मतलब कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने बंदे को मिल जाते हैं। ये काम कब होगा, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस लगभग सेम होता है, तब इसके पास भी अपना इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कहलाते हैं, फ्री रेडिकल्स। क्या कहलाते हैं, फ्री रेडिकल्स, है ना। तो एक्चुअली फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कब होगा, जब हमारे पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस सेम हो भाई साहब, है ना, सेकंड बंदा, या फिर हाई टेम्परेचर यूज़ किया हो हमने, है ना, रिएक्शन कराते वक्त, या फिर सनलाइट यूज़ हुई हो, HNU, या फिर बोले UV लाइट, अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है, या फिर कोई परोक्साइड यूज़ हुआ हो, तब क्या क्या, तब बॉन्ड का फिजन कैसे होगा, होमोलिटिकली। होमोलिटिकली मतलब क्या, कि एक एक इलेक्ट्रॉन्स खुद खुद के बंदे को मिल जाएंगे और ऐसा फ्री रेडिकल बन जाएगा, सही है ना, ये कहानी है। तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स में अपन लोग एल्केन्स की बात करने वाले हैं। एल्केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। सैचुरेटेड कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। एल्केन काफ़ी इनर्ट होते हैं, ये किसी भी बंदे के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, है ना, बेसिकली एसिड के साथ, बेस के साथ, या फिर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इनके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं ये। लेकिन जब अपन लोग लाइट यूज़ करते हैं ना, सनलाइट, यूवी लाइट, उसकी वजह से ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं। तो हमेशा जो है ना, सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं वो फ्री रेडिकल वाला ही रिएक्शन देता है, ठीक है। तब बोलते भाई साहब यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। और जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है, वो हम लोग के एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। कैसा, एडिशन रिएक्शन, ठीक है, उसके बात करेंगे, है ना। तो ये कहानी होती है। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा देखें, ये तो जनरल बात थी उसे कहने के लिए, मतलब कि फ्री रेडिकल ऐसे बनेगा, है ना, इसकी बात होगी। अब थोड़ा सा देखिए, है ना, इसमें अपन लोग यूज करते हैं एल्केन। एल्केन को मैं RH बोल दूँ, ये क्या है, एल्केन है, है ना, CH3H एल्केन होगा ना। रिएक्शन होती है हैलोजन के साथ, हैलोजन का मॉलिक्यूल है, मतलब कि Cl2Br2, बात करेंगे उस पर। अगर अपन लोग सनलाइट यूज़ करें, सनलाइट से आती है HNU, या फिर हम लिखते हैं यूवी लाइट, या फिर हम यही लिख सकते हैं सनलाइट, ठीक है ना। तो बेसिकली लाइट के पास, मुझे पता है, डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। सो पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग जो एनर्जी आ रही है ना सन से, वो एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, जिसे मैं क्वांटा बोल रहा होता हूँ। तो इस एनर्जी का फॉर्मूला क्या, HNU है। H क्या, अगर H इज प्लैंक कॉन्स्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये सारी बातें यूवी लाइट, है ना, स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं अपन लोग, फिजिक्स में ये सब बातें होती हैं, ठीक। तो क्या बनता है, पहले देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये जो X वाला बंदा है ना, H को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो बनेगा मेरे पास RX। इस RX को हम लोग चिल्लाएंगे कि भाई साहब एल्किल हैलाइड है ये, सही है ये। तो बेसिकली एल्केन्स का हैलोजिनेशन हुआ, बेसिकली क्या, ये हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन है, है ना। एल्केन का हैलोजिनेशन होकर क्या बनता है, RX बनता है, जो कि क्या, एल्किल हैलाइड है। रिएक्शन कैसे हुई है, बात करते हैं लोग मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म, ठीक है। फिर से कुछ नए बंदे आएंगे। फ्री रेडिकल जब भी रिएक्शन होगी ना, तो तीन कहानी होती है। पहली कहानी कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो, पहले फ्री रेडिकल बने, जिसे मैं बोलता हूँ चेन इनिशिएशन स्टेप, है ना। पहले चेन इनिशिएट होगी ना, रिएक्शन स्टार्ट होगी, मतलब पहले फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये फ्री रेडिकल ना रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करेगा, अब ये फ्री रेडिकल इस एल्केन के साथ रिएक्शन करेगा। तो फ्री रेडिकल एल्केन के साथ रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन प्रोसेस चल रही है, प्रोसीड कर रही है। तो जो ये ड्यूरेशन है, इसे मैं बोलता हूँ चेन प्रोपोगेशन, मतलब रिएक्शन चल रही है, सब आपस में मिलकर फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, तो मैं बोलता हूँ ये क्या हो गया, चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो जब भी फ्री रेडिकल कहानी होगी ना, तो हम तीन तरीके से बातें रखते हैं कि भाई साहब चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप, एंड थर्ड चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। जब हम लोग लास्ट चैप्टर ना पॉलीमर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, तो वहाँ भी ये सब कहानी हम लोग करेंगे फिर से एक बार, ठीक। अच्छा, चेन को इनिशिएट कराने के लिए ना, आप लोग इनिशिएटर यूज़ करते हैं, है ना, इनिशिएटर यूज़ करते हैं। यहाँ पर इनिशिएटर तो लाइट ही है, लाइट का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक। तो बेसिकली क्या होने वाला है,
कि फर्स्ट स्टेप हम बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन चेन इनिशिएशन स्टेप है ना। अब स्पेलिंग पे आप ना जाओ, स्पेलिंग तो आपको अच्छे से आती है। पहले चेन इनिशिएट होगी, कैसे होगी, ये जो हेलोजन एटम है ना, हेलोजन एटम, हेलोजन मॉलिक्यूल है ना, ये एक मॉलिक्यूल है प्रॉपर, ये लाइट की प्रेजेंस में ना, यूवी लाइट की प्रेजेंस में होमोलिटिकली ब्रेक होता है। अब देखो इसमें बहुत सारे कहानी होती है, शायद आपको ये सब डाउट भी रहता होगा। हेलोजन पे ना तीन लोन पेयर होते हैं, पता है मुझे, तीन लोन पेयर होते हैं इनके पास, ठीक है ना। होमोलिटिकली ब्रेक होने का मतलब क्या है, ये बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक बंदे को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग कर्व्ड एरो का यूज़ करते हैं, उसका थोड़ा सा एक फंडा है, अगर इस तरीके से ना फुल एरो यूज़ करेंगे, मतलब कि एक पूरा लोन पेयर ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं, अगर मैं ऐसा यूज़ करूँ ना हाफ हेडेड कर्व एरो, मतलब कि ओनली वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन जिसे मैं बोल सकता हूँ। तो बेसिकली जब होमोलिसिस बॉन्ड फिजन होता है ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक बंदे लेकर भाग जाते हैं। क्या मतलब इसका, मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा और हम ऐसे हाफ हेडेड कर्व एरो यूज़ करेंगे, और एक इस बंदे के ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम लोग। अभी ब्रेक हो गया, ब्रेक कैसे हुआ, देखिए इसके ऊपर एक ये इलेक्ट्रॉन प्लस ये इलेक्ट्रॉन्स, जिसे मैं क्या बोलता हूँ, फ्री रेडिकल। अब चाहो तो यहाँ पर हम लोग ये जो लोन पेयर्स हैं ना उनको भी दिखा सकते हैं, तीन लोन पेयर है ना, वन टू थ्री, एंड यहाँ पर तीन लोन पेयर, और ये सेवन्थ वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री रेडिकल है। तो पहले ना हेलोजन जो मॉलिक्यूल है, ऐसे हेलोजन एटम्स के फॉर्म में है ना, फ्री रेडिकल के फॉर्म में ऐसे ब्रेक होता है, दिस इज नोन एज चेन इनिशिएशन स्टेप है ना। नेक्स्ट बंदा क्या है, नेक्स्ट को हम बोल रहे होते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप, जो कि बार बार अपन लोग यूज़ करेंगे, तो सेकेंड स्टेप को बोलते हैं अपन लोग चेन प्रोपोगेशन स्टेप, ठीक। क्या कहानी क्या है, देखिए अब जो ये एल्केन है ना, ये एल्केन भाई साहब सामने आए, और जो ये हेलोजन फ्री रेडिकल बना है, अब चाहो तो लोन पेयर दिखा सकते हो अपनी कहानी के लिए, समझने के लिए। अब ये ना, अब देखो जो सामने वाला बंदा है ना, वो अपने को अपने जैसा बनाता है, मतलब ये फ्री रेडिकल है, तो इसको फ्री रेडिकल के फॉर्म में बॉन्ड ब्रेक करवाएगा, तो ब्रेक होगा तो ऐसे, और इसके खोपड़ी के ऊपर फ्री रेडिकल ब्रेक करवा लिया। अब ये जो फ्री रेडिकल था ना, ऑड इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये मिलकर आपस में ऐसे बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, इस तरीके से देखो, ये आर फ्री रेडिकल मिल गया, प्लस यहाँ से एच एक्स बन गया, मतलब कि एच एक्स भी बनता है हमारा कंपाउंड में, ठीक। दिस इज चेन प्रोपोगेशन स्टेप, और ये जो स्टेप है ना कि फ्री रेडिकल जो इसके ऊपर अटैक कर रहा है, इसे मैं बोलता हूँ RDS, RDS मैं जानता हूँ रेट डिटरमाइन स्टेप, एंड ये मेरे पास स्लो स्टेप है, क्योंकि अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया हो तो मैं जानता हूँ कि स्लो स्टेप वाले रिएक्शन से अपन लोग रेट लॉ लिखते हैं, रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, तो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे पास क्या है, RDS, मैं जानता हूँ कि जो मेरे पास ये फ्री रेडिकल बना है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, मैंने बोला था ना अभी, इंटरमीडिएट के जस्ट बाद प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है ना, ये सब 11th क्लास की बातें होती हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट, ये क्या है, फ्री रेडिकल। अब देखिए कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जब मीथेन का हैलोजिनेशन होता है तो इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन होता है, या फिर इस रिएक्शन के लिए आप लोग रेट लॉ लिखो, तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन हम यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, ये कहानी। तो बेसिकली दिस बंदा इज नोन एज चेन प्रोपोगेशन स्टेप। नेक्स्ट जो बातें कर रहे हैं हम लोग, इसे हम बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है ना। टर्मिनेट होने का मतलब क्या है कि जब भी फ्री रेडिकल की रिएक्शन होती है ना, तो सारे फ्री रेडिकल लास्ट में आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है ना। अब मुझे कितने फ्री रेडिकल मिल रहे हैं, एक तो हेलोजन फ्री रेडिकल है, दूसरा आर फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो ये हो सकता है कि आर फ्री रेडिकल, आर फ्री रेडिकल ये आपस में कंबाइन होकर बॉन्डिंग कर ले और ऐसे आर 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 बना दे, ठीक है, या ये हो सकता है कि आर फ्री रेडिकल प्लस हेलोजन का फ्री रेडिकल, ये आपस में इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन ये एक एक इलेक्ट्रॉन ये, दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है ना भाई साहब, तो ये क्या बन गया, आर एक्स बन गया, जो कि अपना मेन प्रोडक्ट है ना, एक्चुअल में जो और बन रहे हैं उन्हें मैं क्या बोल रहा हूँ, साइड प्रोडक्ट, ठीक है ना। सी वाला बंदा है, या तो ये हो सकता है
कि जो ये आर फ्री रेडिकल है एंड सॉरी ये हो गया ना एक्स फ्री रेडिकल एंड ये एक्स फ्री रेडिकल, ये लोग ऐसे बॉन्डिंग करके है ना एक्स एक्स बना दे। ठीक, तो ये हो गया चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब इसके बाद मुझे मिल गया प्रोडक्ट। ठीक, तो आर एक्स मैंने ले गया, ये मेन प्रोडक्ट मैं बोल रहा हूँ इसे मेन प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये सब क्या है भाई साहब, साइड प्रोडक्ट। अब ये अपन ने जर्नल लिखा है, अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं मीथेन का कि ये वहाँ पर कहानी कैसी होगी। बेसिकली दीज आर साइड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये कहानी हुआ किसमें, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली रिएक्शन ये थी। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, आर एक्स मिल गया और ये हो गया एल्काइल हैलाइड। ठीक, अब देखिए इस बेस पे सीबीएसई में क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि मैकेनिज्म बेस्ड पे क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चंस कैसे हैं वो भी हम करेंगे। पहले इतना कॉपी करो, ठीक है ना, कॉपी कर लेते यूवी लाइट है ये। ठीक है, यूवी लाइट, ठीक, ये हो गया। तो प्रोपोगेशन स्टेप एंड देन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक, तो इतनी कहानी हो गई, समझ में आता है ये बातें क्या चल क्या रहा है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्या एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने बात रखी जंगल। ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्या बात करते हैं हम लोग, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ठीक है भाई साहब, ये मीथेन है मेरे पास CH4, ऐसे लिख दो क्या CH4 मीथेन। ठीक है ना, Cl2 आया क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, वही अपना यूवी लाइट, या फिर मैं क्या लिखूँ HNU लिख दूँ इसकी जगह, या फिर मैं क्या लिखूँ सनलाइट लिख दूँ इसकी जगह सनलाइट। तो क्या होगा, एक जो X है ना हैलोजन है ना, एक H को रिप्लेस कर देगा, मतलब कि माइनस का HCl निकल जाएगा। ये माइनस में लिख रहा हूँ, माइनस HCl निकल जाएगा, या फिर इस चीज़ को आप वहाँ पर प्लस HCl लिख सकते हो। ठीक, तो क्या बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl। देखो ना अभी मैकेनिज्म में HX बनता है मतलब HCl। तो ये क्या बन गया, क्लोरोमीथेन, दिस इज IUPAC मेथिल क्लोराइड कॉमन नेम। ठीक है ना, तो बन गया क्लोरोमीथेन। ठीक, क्लोरोमीथेन ये चीज बेसिकली इसे हम बोलते हैं मोनोक्लोरोमीथेन, जनरल बोलते हैं मोनोक्लोरोमीथेन, है ना। ये भी वर्ड आपको ज़िंदगी में तबाह कर सकता है। बेसिकली ये काम कब हुआ, ये काम तब हुआ ना जब मीथेन एक्सेस में था। जब मीथेन एक्सेस में होता है ना, तब एक ही बार सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब एक एच हटा एंड क्या बन गया मोनोक्लोरोमीथेन। तो बेसिकली दिस रिएक्शन इज नोन एज मोनोक्लोरीनेशन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मोनोक्लोरीनेशन, मोनोक्लोरीनेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, मोनोक्लोरीनेशन। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं इसका हम लोग, मैकेनिज्म में वैसे ही स्टेप वन क्या होगा, चेन इनिशिएशन स्टेप। पहले जो हैलोजन का मॉलिक्यूल था, बेसिकली दिस इज मॉलिक्यूल, किसमें कन्वर्ट होगा, हैलोजन एटम में HNU की प्रेजेंस में, और इस तरीके से ये होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्या मिल जाएगा Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। चाहो तो आप इसमें फ्री वो क्या बोलते हैं लोन पेयर शो कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो ये RH है ना CH3H, यही तो लिखा हुआ है, प्लस ये क्या हो गया फ्री रेडिकल, ये इसको फ्री रेडिकल के फॉर्म में बॉन्ड ब्रेक करवाएगा, एंड इसके साथ ये फ्री रेडिकल मिलकर दिस इज द RDS रेट डिटरमाइन स्टेप। क्या बन जाएगा यहाँ से CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl, यहाँ से HCl, वही HCl मैंने लिखा है वहाँ पर। ठीक है, दिस इज चेन प्रोपोगेशन स्टेप, लास्ट चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेट कई तरीके से हो सकता है, जब RR मिल जाए मतलब CH3 फ्री रेडिकल मिल जाए। ठीक है, इसमें पहला ये फ्री रेडिकल, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो क्या बन जाएगा CH3
एन सी एच थ्री, या फिर क्या हो, सी एच थ्री फ्री रेडिकल मिल जाए, सी एल फ्री रेडिकल मिल जाए और इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाए। ये चीज़ जो है ना, ये कवर्ड एरो आपको स्टैंडर्ड बुक में मिलेगी, ठीक है, छोटी मोटी बुक्स में ये नहीं मिलेगी आपको। तो ये क्या हो गया, सी एच थ्री सी एल बन गया, या फिर बोर्ड में विजिबल हो शायद, मैं बोल दे रहा हूँ, या फिर स्लीव सी एल फ्री रेडिकल मिल जाए इस तरीके से, एंड ये क्या बन जाएगा, सी एल टू, ठीक। तो बेसिकली दीज आर साइड प्रोडक्ट एंड दिस इज मेन प्रोडक्ट क्लोरोमीथेन। ये कहानी हुआ, ये हो गया मैकेनिज्म, है ना, सब में ऐसा ही होगा मैकेनिज्म, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाली बात होगी। दिस इज आर डी एस एंड दिस इज द इंटरमीडिएट, ये क्या है, दिस इज इंटरमीडिएट, ठीक, ये कहानी हो गया, सही है। अच्छा, अगर क्लोरीन एक्सेस में हो तो क्या कहानी होगा, ये चीज़ एप्लीकेबल है किसके लिए, क्लोरीनेशन के लिए, ब्रोमिनेशन के लिए, उसकी बात अभी हम करते हैं। देखिए बेसिकली ना, यहाँ पे अपन लोग स्टीरियो केमिस्ट्री को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, अगर स्टीरियो केमिस्ट्री होती है तो, है ना, फ्रेम में नहीं आ रहे थे, तो फिलहाल अभी हम लोग इतनी बातें करते हैं। अब देखिए सेकेंड देखते हैं हम लोग, है ना, अब जो भी नंबर आप डालना हो डाल लेना। अगर भाई साहब क्लोरीन एक्सेस में होगा तो क्या काम होगा, अभी हमने सी एच फोर लिखा था मीथेन, ठीक है, हम देख रहे हैं अगर सी एल टू एक्सेस में हो तो देखिए क्या हो जाएगा, एच एन यू, एच सी एल तो निकलता ही सही, है ना। अब देखिए जितने हाइड्रोजन है ना, सारे सब्सटीट्यूट होंगे एक एक करके हाइड्रोजन के थ्रू, पहले एक बंदा गया, क्या लिखता मैं, सी एस थ्री सी एल, एक सब्सटीट्यूट होगा ना, फिर से वही बात, एच एन यू एच सी एल निकला, एक एच कम सी एल बढ़ गया, सी एच टू सी एल टू, फिर से वही काम हुआ, एच एन यू एच सी एल निकला, क्या बन गया, सी एच सी एल थ्री, ठीक है ना, हाइड्रोजन बढ़ता कम होता जाएगा, क्लोरीन बढ़ते जाएंगे, सो सी एच टू क्या, सी एच सी एल थ्री, फिर से वही कांड हो गया, एच एन यू एच सी एल निकला, ये क्या बन गया, सी सी एल फोर, ठीक है ना, ये कहानी। तो अगर क्लोरीन एक्सेस में होगा ना तो वो जाकर सी सी एल फोर पर रुकेगा, ठीक, ये कहानी। अच्छा, इसे मैं बोलता हूँ मोनोक्लोरोमीथेन। आई पैक तो आपको पता ही है, मैं वो नाम लिख रहा हूँ ना जो थोड़ा सा आंखों में चमकते हैं, जो बुक्स में लिखे होते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें इसे मैं बोल रहा हूँ मोनोक्लोरोमीथेन। आई पैक तो आप जानते हो, क्लोरोमीथेन या फिर मिथिल क्लोराइड। इसे मैं बोलता हूँ डाई क्लोरोमीथेन। दिस इज ट्राई क्लोरोमीथेन। ठीक है ना, एंड दिस इज आवर टेट्रा क्लोरोमीथेन। या फिर इसका एक और नाम है, क्या चीज़ हम जानते हैं, दिस इज अ बेसिकली ये सॉल्वेंट है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये कहानी हो गई, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम इतनी बातें करते हैं। अच्छा, कुछ नोट में लिखेंगे हम लोग पॉइंट नोट। देखिए बेसिकली हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की, किसकी, रिएक्टिविटी की। तो अगर आप लोग रिएक्टिविटी देखें तो भाई साहब फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन F2, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन, इसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, देन आयोडीन है I2, ठीक है। बेसिकली ना फ्लोरीन इज एक्सप्लोजिव। अब देखिए जो भी पीरियोडिक टेबल ग्रुप में सबसे ऊपर होते हैं ना, वो लोग एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज शो कर रहे होते हैं, तो फ्लोरीन सबसे ऊपर है तो एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज शो करता है, तो ये एक्सप्लोसिव होता है, ये तो डार्क में रिएक्शन कर लेता है ना, अगर डार्क हो ना, डार्क बहुत ही अंधेरा कमरा हो, कोई भी लाइट वाइट की जरूरत नहीं इसके लिए, डार्क में भी रिएक्शन करता है, फ्राक से विस्फोट होता है इसमें, ठीक है। क्लोरीनेशन फास्ट होता है अपने अकॉर्डिंग, ब्रोमिनेशन मॉडरेट होता है ये, ठीक है ना। आयोडीनेशन बहुत स्लो होता है, अपन लिए टू स्लो आयोडीनेशन, बेसिकली उसमें एक अलग कहानी है, ठीक है, ये है। तो ये मेरे पास क्या बात है कि ये एक्सप्लोजिव है, ये फास्ट है, ये मॉडरेट है, ये टू स्लो है। तो अपन लोग का जो क्लोरीनेशन के साथ है ना, वैसा ब्रोमिनेशन के साथ है, लेकिन इसके पीछे और भी बातें होती है जो कि अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उतना हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो ये हो गया।
सेलेक्टिविटी की बात होती है, एक्टिविटी की बात होती है, ठीक है ना, ये सारी बातें होती हैं, वो सब चीज़ें हैं, तो अपन लोग इतना समझते हैं। ठीक, तो इसको हम ज़रा कॉपी करो, लिख लिया। देखिए अब इसमें मैं कुछ बोल रहा एक्स्ट्रा नहीं लिखवा रहा हूँ, बुक्स में आपको प्रॉपर थ्योरी वगैरह लिखी होगी, हम केवल समझने का काम करेंगे, और जितना बोर्ड पे लिखे जाएंगे ना वो सब चीज़ें आपको लिखनी है प्रॉपर वे में, ठीक है। आप लोग जिस तरीके से अच्छे से लिख पाओ लिख लो, ठीक, कहानी समझ में आती है, ठीक है। आगे बढ़े तो वीडियो पॉज करके आपने सब कॉपी कर लिया। नेक्स्ट वाला जो बंदा है, बेसिकली नेक्स्ट जो बंदे की हम बात करेंगे ना, इसी में हम एक बात और लिख लेते हैं। अभी हमने देखा था कि फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, फिर आयोडीनेशन, ठीक, ये चीज़। अब देखो इसमें बेसिकली ना, फ्लोरीनेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या चीज़? एक्सोथर्मिक। इसमें हीट रिलीज होती है। क्लोरीनेशन इज, फोन आ रहा क्या? नहीं। क्लोरीनेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक, ठीक है। ब्रोमिनेशन एंड आयोडिनेशन इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। यहाँ मुझे हीट देनी पड़ती है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना, ये चीज। नॉर्मली हम जानते हैं कि फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन एक्सोथर्मिक है, बट क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का जो क्लोरीनेशन है ना वो एंडोथर्मिक, जो हमने अभी देखा था HNO एनर्जी मैंने उसको दी थी। एंड ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन, आयोडीनेशन क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जहाँ पर मुझे एनर्जी देनी पड़ती है ना, तो ये बात इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी रिएक्शन के लिए ना अपन लोग थर्मो वाला पार्ट इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए अपन लोग ग्राफ्स की बातें कर सकते हैं, बेसिकली इतना हम लोग सिलेबस का पार्ट नहीं है, है ना। तो ये हो गया, हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, आयोडीनेशन। क्लोरीनेशन तो मैंने देख लिया वैसा ही होता है, ब्रोमिनेशन भी सेम मैनर में वैसे ही होता है, आयोडीनेशन का थोड़ा पंगा है। क्या पंगा है? बेसिकली हम ये सोच रहे थे ना कि मीथेन मैंने लिया, I2 मैंने यूज़ किया, ठीक है ना, यहाँ पर मुझे हीट देनी पड़ेगी, है ना, हीट मुझे देनी पड़ेगी, क्योंकि ये कैसा एक प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक। तो क्या बनेगा? CH3I+HI, ठीक। पंगा ये हो गया ना कि HI जो है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, पढ़े होंगे आप लोग, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, फ्रेम में आ रहा होगा शायद, मैं बोल भी रहा हूँ। HI क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो HI वाला बंदा है ना, ये इस रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है। रिवर्सिबल मतलब कि इधर तो गए थे, इधर चले गए तुरंत, है ना। तो ये पंगा इसके साथ है, तो जैसा ये बना आयोडोमीथेन वैसा ये बंदा पीछे कर दिया, बैक कर दिया, तो तुरंत मीथेन बन गया, ठीक। सो बेसिकली दिस इज आयोडोमीथेन। तो अपन लोग को क्या करना है, इस रिड्यूसिंग एजेंट को HI को डिस्ट्रॉय करना है। तो इसको नष्ट करने के लिए अपन लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डाल दें, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लोग को आयोडीनेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ता है, तब ये रिएक्शन को अपन लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करवा पाते हैं। ये एक बात है, उस पर भी हम बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए इतना आप लोग कॉपी करिए, इतना कॉपी करो, इतना कॉपी करें तो हम आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है ना। चलिए हो गया भाई साहब, कॉपी हो गया ना इतना। चलिए तो ये वाला पार्ट आपने कॉपी कर लिया, उधर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट जो बातें हैं। थोड़ा सा मुझे टाइम भी देखना है कितना टाइम हुआ है। तो अपन लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं टू डिस्ट्रॉय HI, है ना। सो वी यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू डिस्ट्रॉय HI। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं HNO3, HIO3,
HIO4 ETC वगैरह, ये अपन लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। एक के साथ हम देख लेते हैं कि अगर अगर HI के साथ अपन लोग HIO3 यूज़ करें, ठीक है ना, तो ये ऐसे I2 बना देता है एंड 3H2 इस फॉर्म में निकल जाता है। ठीक, तो क्या किया हम लोगों ने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया HIO3 एंड इस HI को रिड्यूस करवा दिया, तो अब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। तो ये आयोडीन के साथ थोड़ा सा पंगा है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। ठीक है, तो हमने अभी फिलहाल इतना देखा है कि फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो कि हाइड्रोकार्बन से मीथेन में, मीथेन का एक्चुअली हम लोगों ने हैलोजिनेशन देखा है, बेसिकली दीज आर द सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग देखते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना, जो अपना नेक्स्ट वाला पार्ट है ना उस पर आते हैं हम लोग और देखते हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा 45 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ठीक, तो अपन नेक्स्ट पार्ट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग पार्ट देखने वाले हैं जो कि अपन लोग का एडिशन से रिलेट करेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो फिर इतना आप लोग रखें, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, फिर आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।